अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में प्रसिद्ध बंगस आवाम मेले का आयोजन किया गया। इस वार्षिक मेले में कुपवाड़ा, तंगधार और हंदवाड़ा के सैकड़ों गुर्जरों, बकरवालों और अन्य कश्मीरियों ने भाग लिया। दो दिन के इस मेले में आयोजित किए गए ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं में घुड़दौड़, भेड़ चराने की चुनौती, रस्साकशी और लकड़ी काटने जैसी स्पर्धाएं शामिल थी। इस दौरान राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा निःशुल्क पशु चिकित्सा और चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी भी उपस्थित रहे। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं उपराज्यपाल का संबोधन, फिर देखेंगे सेना अधिकारी और स्थानीय म्युनिसिपल के प्रमुख ने क्या कहा है। टूरिज्म बढ़ेगा, मुझे लगता है कि यहाँ के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी एक नई पहल, और विशेष रूप से मैं आर्मी का आभारी जिला इंतजामिया का जिन्होंने इस आयोजन को किया है और हम ये व्यवस्था करने वाले हैं। एक और बात है कि आपने इको टूरिज्म की जो बात की, इसको क्या एक टाइम बाउंड तरीके से किया जाएगा? और इतनी सुंदर घाटी है, ये इतना सुंदर वैली है, रेस्ट ऑफ इंडिया को ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, आप क्या कहते हैं कि इस अमृत महोत्सव में क्या एक पहल ये हो सकती है? निश्चित रूप से ये पहल करनी चाहिए और ये पहल की जाए। इतने जोश खरोश के साथ में बंगस वैली के लोगों ने यहाँ पर आज ये बंगस फेस्टिवल पिछले दो दिन में मनाया है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एक अंदेशा देता है, आपको दिशा दिखाता है कि ये किस राह पर आज की तारीख में हमारा कश्मीर चल रहा है। और आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह का उत्साह कई जगह हमारे और भी जगह पे जो ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मुझे यकीन है कि आप इन सब चीज़ों को हमेशा कवर करेंगे ताकि पूरी दुनिया में, पूरे देश के अंदर फंगस जैसे आइसोलेटेड लगे के बारे में लोगों को मालूम चले और वो लोग इस इलाके को विजिट करें, देखें। और टूरिज्म का बात होता है, उससे क्या है कि यहाँ की जो आवाम है उसको यहाँ पर प्रोग्रेस का एक तरीका मिलेगा, उनको एक आजीवन अपना जीविका कमाने का एक माध्यम मिलेगा और उनकी आगे की बढ़ोतरी होगी। बट थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर विटनेसिंग दिस एंटायर इवेंट, आई एम ग्रेटफुल। आने वाले वक्त में फौज सिविल इंतजामिया से मिलकर यहाँ पर ये डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में? या देखिए, ऐसा है कि हम तो हमेशा साथ में रहते हैं, मगर एक सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से सिविल एडम का यहाँ पर आना जाना थोड़ा मुश्किल होता था, मगर आज आपने एलजी साहब को सुना है, उन्होंने ऑलरेडी आदेश दे दिए हैं और मुझे यकीन है कि पिछले अगले एक साल के अंदर जो भी उन्होंने सहूलतें बताई हैं एक आम आदमी के लिए यहाँ पर उनको मुहैया कर। तीन एक्सेस एरियाज हैं यहाँ पर इनटू द बंगस वैली, but a lot of it is also under army control, so how are you going to be able to make it accessible? Are you willing to work together with the civil administration? You know, logistically I must tell you that this place is just about 8 kilometers off the LC, just about 8 kilometers off LC. similarly there are places in Kiran, Gurez, Pilel, location of Machal, you go to Tangdhar, there are areas Uri which are much more closer. Activities continue to be organized. We need to provide a secure environment, and I assure you on behalf of the Indian Army that to the population we will provide all best possible effort to enable people to reach out, administration to reach out, enable them to construct mobile towers, facilities which are required for daily usage of the population of the border villages. General Pandey, would you agree that what's happened today is historic? It's the first time in 74 years that you have had a state head come to... Look, I have been here for many years. I have seen this festival before also. The numbers are unprecedented. The visit by LG itself is a landmark. And the way the event has been conducted is awesome. I'm very sure it will... Kupwara aur Bangas ke ird gird ke area ke logon ko खुशामदीद बात कहना चाहता हूं कि जो उनके पास ये जो ख़जाना है, जो वर्ल्ड के सामने अब तक नहीं आया था, और डेफिनेटली जो है गवर्नमेंट वर्ल्ड के सामने लाने जा रही है, इसको एक्सेस रोड से जो है कनेक्ट करने जा रही है, ताकि जो है आने वाले दिनों में बहुत सारे टूरिस्ट जैसे गुरेज जाते हैं,
या लेह लद्दाख जाते हैं या दूसरे अननोन एरियाज़ में जाते हैं, वैसे यहाँ बंगस में भी आए। बंगस जो है, जब लोगों को पता चलेगा कि गुलमर्ग से भी दो या तीन गुना या उससे भी ज़्यादा बड़ा मिडो है और यहाँ कोई ओवर क्राउडिंग नहीं है, उतना कोई सीमेंट का कंक्रीट जंगल नहीं है, एकदम पीसफुल अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन है, तो डेफिनेटली जो है यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे। आजकल टूरिस्ट जो है काफ़ी एडवेंचरिस्ट हो गए हैं, अननोन एरियाज़ में जाना पसंद करते हैं, पीसफुल वाइल्डरनेस में रहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बंगस जो है उनके लिए एक सूटेबल प्लेस है। सर, आपको लगता है कि यहाँ पे एक केबल कार प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ ये जो आपने देखा टेरेन जो है चौकीबल से, तो ये अभी इसमें बहुत टाइम लग सकता है? नहीं, डेफिनेटली जो है उसकी तो ज़रूरत ही है, लेकिन फर्स्ट जो है हम तीनों साइड से जो है बंगस को कनेक्ट करने जा रहे हैं। इवन विद इन बंगस भी जो है एक रोड जो है रुशवारी से चौकेबल कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो आपको कुछ भी सीमेंट का नहीं होना चाहिए, ये उसकी जो USP है वो हमने बरकरार रखनी चाहिए। उसके पार जो जहाँ से शुरू होती है, चाहे चौकेबल साइड में है।